आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का चैनल एस्ट्रोलॉजर में। और दिसंबर माह चल रहा है और दिसंबर माह दत्त भक्तों के लिए बहुत खास है, क्योंकि दिसंबर माह में दत्त पूर्णिमा मनाई जाती है। जी हाँ, दत्त पूर्णिमा में भगवान दत्तात्रेय की विशेष पूजा अर्चना होती है। जो लोग तंत्र साधना करते हैं, जो लोग नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं, वो लोग भी भगवान दत्तात्रेय की विशेष साधना करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भगवान दत्तात्रेय के बारे में और दत्त पूर्णिमा के महत्व के बारे में। इस महत्वपूर्ण और पवित्र दिन में भक्त विशेष पूजा अर्चना करते हैं और जीवन में गुरु कृपा का आवाहन करते हैं। हर साल दिसंबर महीने में जब पूर्णिमा आती है, उसे दत्त पूर्णिमा या दत्त जयंती भी कहा जाता है। गुरु दत्तात्रेय में तीन भगवानों की शक्ति समाहित है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इनको अवधूत और दिगंबर भी कहा जाता है। आज भी लोग भगवान दत्तात्रेय की उपस्थिति का अनुभव प्राप्त करते हैं। भारत के महाराष्ट्र और गुजरात में गुरुदत्त की विशेष पूजा अर्चना होती है। साधारण लोग ही नहीं, अपितु तांत्रिक भी उनकी विशेष रूप से पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि तंत्र की क्रियाओं में सफलता के लिए उनकी पूजा आवश्यक होती है। 2020 में 29 दिसंबर मंगलवार के दिन दत्त जयंती मनाई जाएगी। आइए जानते हैं दत्त भगवान से जुड़ी एक कथा, कैसे हुआ था भगवान दत्त का जन्म। दत्तात्रेय जी अत्रि ऋषि और उनकी अर्धांगिनी अनुसुईया के पुत्र हैं। ऐसी कथा प्रचलित है कि अनुसुईया जी ने कठोर तप किया और एक ऐसे पुत्र की कामना की जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के गुण हों। तब तीनों भगवानों ने साधु का वेश धारण करके उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे अपने गोद में बिठा के भोजन कराने को कहा। तब अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से उन तीनों को बच्चा बना दिया और उन्हें स्तनपान कराया। जब अत्रि ऋषि आए तो उन्होंने सब वृत्तांत उन्हें भी बताया। जब तीनों भगवान वापस नहीं लौटे अपने लोकों में, तो तीनों देवियों को चिंता हुई और वे अनुसुईया जी से मिलने गए और अपने पतियों को वापस करने के लिए प्रार्थना की, और अनुसुईया जी ने ऐसा ही किया। परंतु वापस आने से पहले तीनों ने अपनी शक्ति एक पुत्र में डाल दिया, जो कि दत्तात्रेय बने। दत्तात्रेय जी ने प्रकृति में मौजूद 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी। आइए जानते हैं उनके नाम। भगवान दत्तात्रेय से एक बार राजा यदु ने पूछा उनके गुरु का नाम, तो भगवान दत्तात्रेय ने कहा, आत्मा ही मेरा गुरु है, तथापि मैंने 24 प्राकृतिक चीजों से शिक्षा ग्रहण की है। वे 24 गुरु उनके कौन हैं, आइए जानते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, अजगर, कपोत, पतंगा, मछली, हिरण, हाथी, मधुमक्खी, शहद निकालने वाला, कुरर पक्षी, कुमारी कन्या, सर्प, बालक, पिंगला वेश्या, बाण बनाने वाला, मकड़ी, भृंगी। आइए जानते हैं कि भक्त दत्त जयंती में क्या विशेष करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ उनका नाम जप ही काफी है, अतः 1008 नामों का जप भक्त करते हैं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए और जीवन से समस्याओं को समाप्त करने के लिए।
दत्त पूर्णिमा को भक्त जल्दी उठते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और पूरे दिन उपवास करने का संकल्प भी लेते हैं। भक्त पंचोपचार पूजा करके गुरु चरित्र का पाठ भी करते हैं, गुरुदत्त की परिक्रमाएं भी करते हैं, मंदिरों और आस पड़ोस में प्रसाद बांटा जाता है। ओम गुरु दत्तात्रेय नमः, इस मंत्र का भी जप किया जाता है। भगवान दत्तात्रेय नाथ संप्रदाय में भी बहुत माने जाते हैं और नाथ संप्रदाय के आदि गुरु कहलाते हैं। इसी कारण नाथ योगी उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। जूनागढ़ गिरनार पर्वत में उनका विशेष निवास स्थान माना जाता है, जहां आज भी लोगों को उनके होने की अनुभूतियां होती है। तांत्रिक लोग इस दिन तांत्रिक पूजाएं भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि दत्त भगवान बहुत आसानी से प्रसन्न भी हो जाते हैं। चूंकि दत्त जी में तीन देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति है, अतः उनको पूजने मात्र से भक्तों को तीनों देवताओं के पूजन का फल प्राप्त होता है। अगर कोई जीवन में बहुत परेशान हो तो उन्हें गुरु दत्तात्रेय की शरण में अवश्य जाना चाहिए। हमेशा कोई भी साधना किसी जानकार के निर्देशन में ही करें तो ज्यादा अच्छा है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। तो दिसंबर माह में 29 तारीख मंगलवार को गुरु दत्तात्रेय का आशीर्वाद लेना ना भूलें। उनकी कृपा से जीवन के बाधाओं से मुक्ति बहुत आसानी से हो जाती है। सभी को भगवान दत्त की कृपा प्राप्त हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।